नमस्कार। आज वृष राशि पर गोचर क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। वृष राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है इस समय और आज की दृष्टि में, आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट हैं इनके लिए, अगर थोड़ा सा कुछ समय के लिए समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, आप कई प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। अगले 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, वृष राशि वाले बड़े अच्छे अनुशासित व्यक्ति होते हैं। परफ्यूम लगाना, फैशनेबल रहना, इनके खर्चे भी वैसे ही होते हैं और मान सम्मान की दृष्टि से अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना जानते हैं। दूसरी बात, अच्छा खाना पीना, दूसरों को अच्छा खिलाना, खुद भी अच्छा, रहन सहन अच्छा होता है इनका। इसके अलावा ये डिसिप्लिन मेंटेन करना जानते हैं। अभी इनके ऊपर जो ग्रह चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। वृष राशि के 12वें स्थान में राहु चल रहा है गोचर में। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में या किसी जुआ या सट्टे के काम अगर करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा इनको। अगला कम से कम 5 महीना बहुत सावधानी के हैं और इस प्रकार का रिस्की काम, बिजनेस में भी कोई रिस्क लेने वाला काम ना करें। चेक और पेमेंट के लेन देन में ध्यान रखें। कोई भी आदमी आपके साथ पैसे के लेन देन को लेकर चीटिंग कर सकता है, क्योंकि राहु आपका 12वें स्थान में। आपको व्यर्थ का भ्रमण करने का आदत पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आपको व्यर्थ में भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बिना बात फ़ोन करने पड़ेंगे, जिसको फ़ोन करेंगे वो फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति। इसीलिए किसी को पैसा ना दें तो अच्छा ही रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जुआ और सट्टा या रिस्क का काम या बहुत महंगा आइटम एकदम बिना सोचे समझे विदाउट बजट के नहीं खरीदना है। यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ अप टू 5 मंथ इन फ्यूचर, अप टू 29th of October आपको खर्चे पर नियंत्रण रखना है। पति पत्नी में विवाद ना हो इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है, एग्रेसिव नहीं होना और उग्र स्वभाव, एकदम शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये आपके लिए बहुत खराब समय चल रहा है। अब आते हैं 6ठे स्थान में शत्रु स्थान। आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करने वाले, आपकी बुराई करने वाले आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे हैं किसी भी तरह से, ये न के न प्रकार न, छल से, बल से, धन से, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ जो भी हो सकता है आपको हानि पहुंचाने का प्रयास शत्रुओं के द्वारा किया जाएगा। ये 29 अक्टूबर तक सचेत रहने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मंगल ग्रह अब अनुकूल होगा, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, जिसके कारण आपको जो जो मैंने समस्याएं बताई हैं उन पर विजय प्राप्त करने में आप सक्षम भी होंगे। अब देखिए, एक ग्रह कष्ट देता है तो दूसरा उसके लिए एंटीडॉट निवारण भी बन जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए आपका मंगल इस 10 मई को आपके पक्ष में आएगा। इसके अलावा सूर्य अभी 13 मई तक आपको कष्ट देगा, आपके नेत्रों में पीड़ा, अशांति, सिर दर्द, एनर्जी आपकी वेस्ट होगी और अपने परिवार के लोगों से बिना बात का विवाद, चिड़चिड़ा स्वभाव, झगड़ा होगा। तो अपने स्वभाव को, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, माइंड योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो थोड़ी खराब हो सकती है, तो ध्यान दें। इसके अलावा पैरों में चोट लगने का खतरा, नेत्रों में पीड़ा मैंने बताई है अभी, और सीढ़ी से चलते फिरते
चढ़ते और उतरते समय सावधानी, वाहन चलाने में विशेष रूप से अक्टूबर तक आपको सचेत रहना होगा। कुछ लोग आपको, आपकी छवि को, somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कुछ लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ था, बैंकों के कुछ प्रेशर और कुछ नोटिस उनके पास बार बार आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे बैलेंस बनाना है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ वृष राशि वालों के लिए, जो राहु, जिनकी कुंडली में राहु कष्टकारक बना हुआ है, उनको पैसे से संबंधित समस्याएं, अवरोध, तनाव रहेगा। कुछ लोगों की विदेश यात्रा संभव हो सकती है या विदेशों से पैसा आपके पास आएगा। वृष राशि के लिए कुल मिलाकर के अभी अच्छा समय नहीं है अक्टूबर तक, जो बात मैंने आपको बताई है इन पर आप ध्यान दें। अगर इनसे बचना है, इनके साइड इफेक्ट को कम करना है, तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करें। अपने पितृ देवताओं के नाम का दीपक अवश्य जलाएं, अमावस्या को तो विशेष रूप से, आने वाली अमावस्या, उस दिन शनिश्चर का जन्मदिन है, शनि देवता का जन्मदिन है, दिन शुक्रवार है, अमावस्या है। अगर उस दिन आप ऐसा करते हैं तो आपके 50% समस्याओं का निदान होगा, लेकिन आपका हौसला जितना बढ़ेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।